अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको बता रही हूँ डोंडे की चटनी, ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत इजी और क्विक बनती है। आप एक पैन में ऑयल डालिए, उसमें डोंडे डालिए और हरी मिर्ची और ज़ीरा डाल के आप थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा सा पका लीजिए। एक 15 मिनट तक आप उसको पका लीजिए। थोड़ा सा डोंडे गलना, थोड़ा सा पका लूँगी, थोड़ा गले डोंडे गल गए तक, थोड़ा अच्छे सॉफ्ट हो गए तक मैं इसको लो फ्लेम पे रखूँगी। 5 मिनट्स तक देखूँगी, तो चेक करूँगी इसके बाद। चलिए मैं थोड़ा चेक करती हूँ इसको, थोड़ा सा डालूँगी। ऑलमोस्ट हमारे डोंडे हो चुके हैं और थोड़ा और एक 5 मिनट्स तक थोड़ा जल्दी देख छोड़ दूँगी। देखिए हमारे डोंडे अच्छे से गल चुके हैं। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूंगी। मैं चटनी को अब ग्राइंड कर रही हूँ। मैं पहले ले रही हूँ लहसुन और कोथमीर। जो मेरे डुंडे जो थोड़ा सा फ्राई करके रख लिए थे, जो गला के रख लिए थे, इसमें डाल के मैं थोड़ा ग्राइंड करूँगी। बस थोड़ा सा लाइट ग्राइंड करना चाहिए आपको, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ग्राइंड करने से पेस्ट पेस्ट हो जाएगा। बस मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। पानी डाल के ग्राइंड करूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टीस्पून थोड़ा सा। देखिए हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, इसको ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अल्लाह।